तो हे एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग आर्ट प्लस। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे फर्स्ट मैं बता देती हूँ, आज हम करने वाले हैं कलर। लाइक हमने लास्ट वीडियो में आउटलाइन ट्यूटोरियल किया था, वो भी BTS मेंबर्स वी और जंगकुक का। सो अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं कलर। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने एज यूजुअल आइस से स्टार्ट किया है, और उसके लिए मैंने कलर्स लिए हैं स्किन और पिंक। तो आइस के आजू बाजू में थोड़ा सा पिंक कलर किया है पहले बहुत लाइटली, एंड देन यूज़ किया है स्किन कलर, और वापस से ब्लेंड करने की कोशिश करी है ताकि बहुत स्मूथ टेक्सचर आए। और साथ के साथ मैंने थोड़ा सा आई के लिए भी कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करी है, जैसा उसमें दिख रहा है, पिक में मुझे दिख रहा है वैसे ड्रॉ करने की कोशिश करी है। जहाँ पर थोड़ा सा ब्राउनिश है वहाँ ब्राउनिश ब्लेंड दिया है, और आई के अंदर बाहर सारे इधर उधर के पोर्शंस पे ध्यान देना पड़ता है। तो उसी हिसाब से पिक में देखते हुए हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले तो लाइटली ही ड्रॉ करिए, और क्योंकि एकदम डार्क भी सही नहीं रहता है और ब्लेंडिंग करने में भी मुश्किल होती है। जब जो नीचे वाला कलर होता है वो ज़्यादा अच्छे से आप उसको बहुत डार्कली कर देंगे तो ऊपर वाला कलर उसमें ब्लेंड होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए आपको जो क्वांटिटी है वो दोनों की अच्छे से रखनी है, ना ज़्यादा कोई डार्क हो। हाँ, डार्क हो जब आपको सच में भी डार्क करना है, जैसे कि अगर मुझे पिंक कलर दिखाना है ज़्यादा तो वो मैं ज़्यादा दिखाऊंगी। तो कब ज़्यादा दिखाएंगे? पहले स्किन कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तब आप पिंक कलर को दिखाएंगे। बट अब अगर आप कहें कि हम पिंक कलर ही दिखाएंगे बस स्किन कलर को ब्लेंड भी नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा और लगेगा। तो आपको अच्छे से ब्लेंड करते रहना है साथ के साथ में। और आई के रियलिस्टिक लुक के लिए मैंने अंदर थोड़ा सा रेडिश कलर किया है ताकि आपको आई का थोड़ा सा फील आए जैसे रियल हो। और साथ में वैसे तो मैं आई में हमेशा ब्लू कलर करती हूँ, बट इस बार मैंने ब्लू कलर ना करके थोड़ा रेड कलर किया है क्योंकि नहीं दिख रहा उसमें, इसी वजह से। सिंपल सी बात है, जैसा पिक में दिख रहा है वैसे करने की कोशिश किया है। अभी लेफ्ट आई राइट आई सब कुछ होने के बाद धीरे धीरे हम नोज़ की तरफ जाएंगे और ट्राई करेंगे एग्जैक्टली वैसा ही ड्रॉ हो। और मैंने आउटलाइन दिया था उसमें मैंने आपको ड्रॉ करके बताया भी था। तो अभी आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है जो है स्किन कलर। अभी हम स्किन कलर अप्लाई कर देंगे बट वो थोड़ा रियलिस्टिक लुक नहीं देगा, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि ब्राउन वगैरह कलर ना मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करती हूँ। बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो वी है, जंगकुक है, मतलब ये लोग फॉरेनर्स हैं और उनकी स्किन जो है वो बिल्कुल वाइट कलर की है। तो अब अगर आप उसमें ब्राउन कलर ऐड करेंगे तो वो बहुत ही अनरियलिस्टिक लगेगा और बिल्कुल मैच नहीं करेगा फिर वो। तो आपको क्या करना है कि स्किन कलर के साथ थोड़ा सा आपको ग्रे कलर यूज़ करना है। तो अगर आप ग्रे कलर को यूज़ करके ब्लेंड करेंगे तो काफ़ी अच्छा वो ड्रॉ होगा और बिल्कुल लगेगा कि आपको हाँ फॉरेनर की बॉडी को ड्रॉ करा है आपने, स्किन कलर को ड्रॉ करा है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगर नोज़ वगैरह पोर्शंस हो चुका है। अब बात आती है लिप्स की। तो लिप्स मैंने रफ़ तो कर दिए, बट जो मैंने आउटलाइन ड्रॉ किया था उसमें मैंने बहुत बार रफ़ करके ड्रॉ करना पड़ा था। अब मुझे आउटलाइन उसकी समझ में नहीं आ रही कौन सी वाली है, पीछे वाली है या आगे वाली है। तो ट्राई कर रही हूँ मैं ड्रॉ करने की, पर देखते हैं कैसा ड्रॉ होता है। सो लिप्स और टीथ वगैरह ड्रॉ करना है, और ट्राई करेंगे कि जो ग्लॉसी लिप्स हैं वो वैसे ही रहें और आसपास का एरिया सारे एक्सप्रेशंस, अगर आप एक्सप्रेशंस अच्छे से दे पाएंगे तो फेस भी अच्छा लगेगा। अगर एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे तो
वो इतना रियल नहीं लगेगा, इस वजह से आसपास के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और एक्सप्रेशंस को ड्रॉ करने के लिए वही ट्रिक यूज़ करना जैसे कि मैंने बोला कि ग्रे कलर से आप एक्सप्रेशंस ड्रॉ करिए, और जहाँ डार्क थोड़े से पोर्शंस हैं वो भी ग्रे कलर से करने की कोशिश करिए। अगर ज़्यादा ग्रे कलर अप्लाई करेंगे तो वो काफ़ी बेकार लगने लगेगा, इसलिए स्किन कलर का ज़्यादा यूज़ करें। ग्रे कलर सिर्फ टचअप के लिए है। तो अभी जैसा कि हम आसपास का एरियाज और धीरे धीरे सारे स्किन पोर्शंस को ड्रॉ कर लेंगे वी के, और हेयर पोर्शंस के लिए भी अगर जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे से जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो बालों पर पड़ता ही पड़ता है, तो इस वजह से हम पहले ब्लू पर्पल इन कलर से ड्रॉ करने के बाद इसमें ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे ताकि वो थोड़ा सा सारा कलर्स को शो करें। अभी बात करते हैं ये शर्ट की, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, एक मिस्टेक मैंने इसमें यही की है कि जो ब्लैक कलर वाली शर्ट है वो पहले ड्रॉ कर दी है। इससे क्या होता है कि ना आपके हाथ में ब्लैक कलर लगता है और इधर उधर पेज पर लगता है, तो जब मैंने जंगकुक को ड्रॉ किया तो काफ़ी जगह मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि हर बार वहाँ से कलर हट के कहीं इधर लग रहा है कहीं उधर लग रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ जो भी ब्लैक कलर की चीज़ें हुआ करें वो आप सबसे लास्ट में करें, जहाँ पर आप देखें कि आप मुझे पेज के और किसी कॉर्नर पे नहीं जाना है और कुछ ड्रॉ नहीं करना, तब आप ब्लैक वाली चीज़ें करें। तो आप ये शर्ट वगैरह ना ड्रॉ करके सबसे पहले आप जंगकुक के फेस को ड्रॉ करें और ट्राई करें कि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। अब वी का फेस जो उनके फेशियल फीचर्स हैं वो ज़्यादा हार्ड हैं, जंगकुक के इतने हार्ड नहीं हैं, तो आप आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। वी के जो लिप्स हैं वो काफ़ी हार्ड पड़ते हैं ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि बहुत ही यूनिक लिप्स हैं, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा ध्यान से ही ड्रॉ करें। अभी हम जंगकुक के फेशियल एक्सप्रेशंस को ड्रॉ करने के बाद हेयर पोर्शंस और बाकी का लास्ट में आप जितना भी ब्लैक कलर वाला या टचअप वाला जो भी चीज़ है वो आप दे दीजिए, और लास्ट में अगर आपके पास वाइटनर है तो वाइटनर, या फिर वाइट कलर है तो वाइट कलर, उससे आप क्या करिए कि पूरे जहाँ पर आपको कोरियन स्किन। सो एंड एट द एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आपके फ्रेंड्स जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।